वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सेकंड चैप्टर में अपन ने कल डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज मतलब परिसर यानी कि मुख्य मान, प्रतिलोम वर्तीय फलन के अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे। अपन ने प्रतिलोम वर्तीय फलन में संबंध कैलकुलेट कर लिया था। अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम वर्ती फलनों के गुणधर्म। ठीक है, प्रतिलोम वर्ती फलनों के गुणधर्म, या अपन क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस से आप बता दें कि चलो, तो प्रतिलोम वर्ती फलनों के गुणधर्म में पहला है, देखिए पहला क्या है। अगर अपन बात करें, अगर साइन इनवर्स एक्स ऐसे आ गया, साइन इनवर्स एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, एक्स आएगी। लेकिन साइन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, लेकिन एक कंडीशन है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अपन एक काम भी तो कर सकते हैं, अपने पास साइन साइन इनवर्स एक्स है, वो वैल्यू कितनी, एक सेकेंड रुकिए, साइन साइन इनवर्स एक्स, देखिए जहां पे एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगी। ऐसा क्यों, मैंने आपको कल ही बताया था जो एक्स की वैल्यू है वो -1 के 1 के बीच में होगी, यानी कि अपन थीटा इक्वल क्या था, साइन इनवर्स एक्स था। तो इसका जो प्रांत था क्या था, -1 से लेकर कहां तक था, 1 तक था। तो इसका परिसर क्या आया, -π/2 से लेकर π/2 आया। अपन इस तरह से लिखा था ना, -1 से 1, और इसको क्या लिखा था, -π/2 से π/2। तो कहने का मतलब जो x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, -1 और 1 के बीच में, तो एक्स आ जाएगा सिंपल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, सिंपल क्या आ गया, एक्स आ गया। अब दूसरे तरीके से समझे अपन, आपको पता है कि साइन इनवर्स को एक्स को सोल्व करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी, जैसे π/3 आ गया, π/4 आ गया, π/6 आ गया, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो थीटा आएगी, इसको पूरी को सोल्व करोगे, और बाहर क्या है, साइन है। जब आप साइन थीटा को सोल्व करोगे तो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, अरे साइन थीटा की वैल्यू वो भी क्या होगी, वैल्यू होगी, और आपको पता है वैल्यू किससे एक्स से लिखेंगे, अगर वो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वैल्यू, आपको पता है साइन का जो इंटरवल होता है -1 और 1 के बीच ही होता है, तो -1 और 1 के बीच का है। क्या बात समझ में आ गई, मैं इसका प्रूफ भी कर लूंगा। अब ऐसे ही आपका अगला है इसका कॉस वाला, उसमें क्या हो जाएगा, वही कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही -1 से लेकर 1। ऐसे सारे आएंगे, टेन आएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स, ऐसे कोट आएगा, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे सेट आएगा, सेट
sec inverse x, ऐसे क्या आएगा cosec आएगा, cosec inverse x, लेकिन सब में x आएगा, सब में x तो आएगा लेकिन सब में x की वैल्यू चेंजिंग तो रहेगी। अब इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी आपको पता ही है, x की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, इसके अंदर x की वैल्यू आपको पता है r होगा, इसमें भी x की वैल्यू r होगी, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी पता है आपको, x की वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट, ऐसे यहां पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों लिखा, आपको पता है कि सेक में और कोसेक में माइनस वन और वन के बीच वाली वैल्यू नहीं आती, सेक में और कोसेक में माइनस वन और वन के बीच वाली वैल्यू काउंट नहीं होती है, आपको ही पता है। अब माइनस इनफाइनाइट से आप माइनस वन जाओगे, माइनस वन काउंट नहीं, माइनस इनफाइनाइट और माइनस वन हो सकती है, एक सेकंड यहाँ पे बड़ा वाला आएगा, यहाँ पे बड़े वाला आएगा, यहाँ पे बड़े वाला आएगा, यहाँ पे बड़े वाला, यानी कि माइनस वन और वन के बीच वाली नहीं आएगी, यानी कि अपन कैसे कह सकते हैं, ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस वन, ये आपका वन, इधर वाली सारी वैल्यू काउंट होगी, इधर वाली सारी वैल्यू काउंट होगी, बीच वाली काउंट नहीं होगी। आपको मैंने कल ही बताया था माइन इसका होता है आर माइनस, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन से वन, एक्स बिलोंग्स टू कल ऐसे ही लिखा था, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, सिंपल देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसी वैल्यू डिफाइन होगी जो किन्हीं के इंटरवल के बीच नहीं आएगी, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे क्योंकि वैल्यू के बीच में आने वाली है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर मान लो ऐसा हो कि साइन थीटा cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, sec इनवर्स sec थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा, अगर मान लो ऐसा है तो क्या होगा, देखिएगा ऐसे ये थीटा आएगा, ये भी थीटा, 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 लेकिन इसमें जो थीटा होगा वो वैल्यू क्या रहेगी आपको पता है, इसमें थीटा की वैल्यू, थीटा का एंगल बताओ क्या था, कल ही बताया था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसमें थीटा का इंटरवल क्या होगा जीरो से पाई, क्या बात समझ में आ गई, इसमें थीटा का इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन क्या नहीं था इसमें थीटा का क्या बताया था, मैंने बताया थीटा का, इसमें जो वो थीटा था इसके लिए थीटा था वो क्या था, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू था, नहीं था इसमें थीटा माइनस पाई बाय टू, इसमें थीटा जीरो से पाई, इसमें थीटा अलग था, इसमें थीटा अलग था, ये सारी बात समझ में आ गई होगी सभी के, एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखिए ये चीजें समझ में आ गई क्या, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर ये सेक से इनवर्स कोस इनवर्स, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये वाली बातें समझ में आ गई क्या सारी, आ गई, ओके आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं एक को प्रूफ कर देता हूँ कि ये कैसे आता है,
किसी एक को प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। Prove that sine sine inverse x equal to x कब चल x की value, x की value कहाँ से कहाँ तक, minus one से one के बीच में। अब देखिए मैं सबसे पहले लेट करता हूँ sine inverse x को theta। देखिए students मैगजीन के फॉर्मूले में ऐसे ही प्रूफ करूंगा, जो भी मैं फॉर्मूले करूंगा तो मैं ऐसे ही प्रूफ करूंगा, थीटा लेट करूंगा, ए भी लेट कर सकते हो, एंगल बी भी लेट कर सकते हैं, सी भी, कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन वर्स एक्स को थीटा जूम किया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन थीटा आएगी, साइन वर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन इस थीटा की वैल्यू बोलो, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा। क्या आपको यही तो प्रूफ करना था, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, ये प्रूफ करना था, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपकी होगी। यदि इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, अभी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, नंबर दूसरे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स। यहां पे इसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा, इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। यानी कि तीन में तो माइनस बाहर आता है, तीन में पाई माइनस होता है, इसमें इसमें और इसमें तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें इसमें और इसमें क्या रहेगा, पाई माइनस होगा। अब मैं एक तो ये प्रूफ कर देता हूँ और एक ये प्रूफ कर देता हूँ, जिसने पाई नहीं आ, एक तो ये प्रूफ कर देता हूँ और एक ये प्रूफ कर देता हूँ, और बाकी को करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप लोग कर सकते हो करके, है ना। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, क्या करता हूँ, लेट इस पूरे को थीटा लेट कर देता हूँ। जैसे इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया था, वैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट कर दिया। अब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि होगा। ऐसे ही इधर कर रहा हूं इसको आगे, अब x इक्वल टू ये बाहर माइनस है, इसको ऐसे ही तो चेक करने से ही इधर लिख सकता हूं, माइनस को अंदर ले लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन को इधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन को इधर ले गया साइन इनवर्स x माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, थीटा किसको लेट किया था, थीटा किसको माना था, वो लिख लो, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, समझ में आ गई होगी बात। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
ओके अब देखो इसके बाद अपन इसको प्रूव करते हैं प्रूव दैट स्विगी जी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसको प्रूव कर रहा हूं मैं। अब की बार किसको थीटा ऐड करेंगे इसको ऐड कर लेंगे इस वाले को कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा ऐड करेंगे कॉस इनवर्स उधर जाएगा cos थीटा हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस cos थीटा। मैं इसको ऐसे लिखता हूं चेक करना सही लिखा है क्या। अब ऐसा ही क्यों लिखा क्योंकि पाई भी तो लाना है क्योंकि क्या लाना है पाई भी तो लाना है। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा क्योंकि सॉरी इसको ऐसा ही क्यों लिखा क्योंकि पाई भी तो लाना है। अब चेक करते हैं cos पाई माइनस थीटा पाई का मतलब कितना होता है 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज कोस का कोस रहेगा पाई में से कुछ कम कर रहे हैं पाई में से कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए पाई में से कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा पाई में से कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा इसमें जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में दिव्या सोनी बेटा पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं इसको अपन ऐसे ले सकते पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज cos पाई माइनस थीटा माइनस आएगा तो माइनस का cos थीटा ये बात समझ में आ गई होगी सबके कि माइनस cos थीटा को मैं cos पाई माइनस थीटा क्यों लिख रहा हूं ये वाली बात सबके समझ में आ गई होगी। अब cos को उधर ले आओ cos इनवर्स x हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब आप देखो यहां से थीटा को धर लिया हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू रख दो कॉस इनवर्स माइनस एक्स यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है यही तो आपको क्या करना था प्रूफ करना था हाँ यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। आप देखिए नंबर तीसरी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाय टू होता है। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल में पाई बाय टू होता है ये भी प्रूफ करना है। अब इसमें मैं किसी भी एक को प्रूफ कर देता हूँ अब ऐसे तो नहीं है सर आप पहले कोई प्रूफ क्यों करवा रहे इसको क्यों लिखा बात तो वही है किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है तो अपन प्रूफ करते हैं प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। अब मैं क्या करता हूँ वही लैग करता हूँ किसी एक को थीटा लैग कर लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू साइन थीटा एक्स इक्वल टू देखिए साइन को चेंज कर रहा हूँ मैं कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा चेक करो मैंने सही लिखा है क्या
साइन थीटा को क्या कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? एक बार यस और नो में कमेंट करूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको कॉस 90 और ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होगा साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। ठीक है, पाई बाय 2 क्यों लिया है? क्योंकि आपको पाई बाय 2 प्रूफ करना है। यहां भी इसलिए लिया है कि आपको पाई बाय 2 आना चाहिए। कॉस को जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x है, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, थीटा को इधर ले आएंगे, थीटा को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा यहां से, थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू बताओ क्या है? अपन ने क्या माना था, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x माना था, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 2। यही तो आपको प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है, है? जोर से बोलो, वॉइस तो आ रही है। हाँ, अब देखिए जो भी बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स, वापस से मैंने रिविजन स्टार्ट कर दिया है, माजी से मैंने भी कर रखा है स्टार्ट रिविजन, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी रखिए, है ना, अब तो बढ़िया ही तैयार कर ले। फिर आप ऐसे बोलोगे कि सर दोबारा और पढ़ा दो, फिर वो नहीं होगा। ठीक है, एक बार पहले पढ़ा दिया, अब दूसरी बार पढ़ा दो, फिर आप बोलोगे सर आप तीसरी बार और पढ़ा दो, चौथी बार और पढ़ा दो, फिर हमारा भी मतलब वो फ्लो नहीं रहेगा जिसे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर और कम हो जाएगा फ्लो। जिन बच्चों ने कॉपी में काम नहीं किया वो काम करते रहना आप साथ साथ, ठीक है, सेकंड चैप्टर से काम करते रहना रेगुलर, पहले नहीं किया उनके बात करो, जिन्होंने कर लिया वो दोबारा करने की जरूरत नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, फोर्थ ये नहीं है, फोर्थ तो सिंपल, बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं अपन कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स क्या होगा, सर कॉस, कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वन सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। ये तो सबको आता है, उल्टा करना है सिंपल। आपको कल ही तो बताया था मैंने संबंध, याद है सभी प्रतिलोम वर्ती खंडों में संबंध, इस x के नीचे 1 लिख सकता हूँ, सिंपल x के नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है x के नीचे 1 लिखा है कि लंब बटा करण है, साइन होता है लंब बटा करण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, करण बटा लंब, ऐसे ही इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, सब में ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, तो इसको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नंबर 5 की ओर, नंबर 5 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 - y² प्लस वाई रूट में 1 - x². देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आया,
अगर मान लो मैंने माइनस ले लिया तो क्या आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया और कुछ भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने प्लस ले लिया तो प्लस आ जाएगा, माइनस ले लिया तो माइनस आ जाएगा। इसका तीसरा और होता है टू साइन इनवर्स एक्स, वो क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा और होता है इसका थ्री साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। अपन सबको प्रूफ करेंगे, तो सबको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा। आप प्रूफ की चिंता ना करें, मैं सारे प्रूफ करा दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अपन इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ दैट, प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अरे ये आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ किसका फर्क है माइनस का, तो ये कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे देते हैं, ये कर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे मैंने एड कर लिया साइन इनवर्स एक्स को, तो मान लिया मैंने वैसे थीटा मानते हैं, और साइन इनवर्स वाई को मान लिया मैंने फाई, लेकिन मैं थीटा और फाई नहीं मान रहा, मैं सिंपल मान रहा हूँ इसको ए और इसको मान रहा हूँ मैं बी, ओके, थोड़ा सही रहेगा। अब देखिए एक को मैंने इसको मान लिया, एक इसको मान लिया मैंने बी। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अब आप मेरे को ऐसे बताओ साइन ए की वैल्यू, यहां से साइन ए की वैल्यू देख सकते हो, यहां से एक्स की वैल्यू क्या है साइन ए, और यहां से वाई की वैल्यू क्या है साइन बी। अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ, बस ट्रायंगल बना रहा हूँ सिंपल, ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, पक्का ये क्या होगा वन होगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंबा टक्कर होता है, ये कितना आएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कोस क्या है यहाँ से, कोस आएगा आधा का टक्कर आएगा, ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो आधा का टक्कर आएगा, मैं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता हूँ कोस एक cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, यहां से cos कितना आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा cos a, 1 ऐसा का ऐसा, sin a की वैल्यू कितनी है x का x का स्क्वायर, क्या cos आ गया। आप यहां से cos निकालो चाहे यहां से cos निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो अगर साइन ए की वैल्यू एक्स है तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से चक्कर आधा घटा कर। अगर साइन बी की वैल्यू वाई है तो बताओ कॉस बी की वैल्यू क्या होगी रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर होगी, नहीं होगी, एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये चीजें समझ में आ गई क्या आपकी, ताकि अपन आगे चलें। ओके अब देखिए यहां से, यहां से मैं फॉर्मूला लगाता हूं साइन ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू बोलो एक्स, यहां से कॉस बी की वैल्यू बोलो डायरेक्ट, कॉस बी की वैल्यू क्या है रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर,
cos a की वैल्यू बोलो यहां से cos a इन डायरेक्ट क्या है रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आएगा sin b की वैल्यू क्या है y है a plus b sin का चला जाएगा sin इनवर्स x 1 माइनस y स्क्वायर y 1 माइनस x स्क्वायर आया कि नहीं आया बिल्कुल आ गया अब a की वैल्यू बोलो क्या है a क्या है ए क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स और बी क्या है मैं यहाँ ही कहता हूँ इसको यहाँ ए की वैल्यू बोलो साइन इनवर्स एक्स बी की वैल्यू बोलो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर यही आपको प्रूफ करना था यही तो आपको प्रूफ करना था तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है बात समझ में आ गई होगी एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ले लो जल्दी से टाइम आउट होने वाला है ले लो ठीक है अब सुनो मेरी बात अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है अगर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे यहाँ पे माइनस आ जाए बात समझ में आ गई होगी अब इस फॉर्मूले से जो ये फॉर्मूला प्रूफ किया है इससे मैं ये वाला प्रूफ करूंगा और ये वाला प्रूफ करूंगा प्रूफ कैसे होगा एक्स को वाई के इक्वल रखेंगे तो एक्स को ऐसा कैसा वाई भी एक्स हो जाएगा तो sin inverse x और sin inverse x का हो जाएगा 2 sin inverse x वही तो वाला है और इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला आ जाएगा आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि टाइम आउट हो गया है बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेली का काम डेली करें और डेली आप एक-एक दो-दो एक्सरसाइज एक-एक दो एक्सरसाइज आप डेली भी सॉल्व करें रफ कॉपी के अंदर तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आज के लिए इतना ही काफी है थैंक यू सो मच Thank you.